गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अभी सुबह सुबह में हम सूरत से निकल गए हैं, जा रहे हैं सप्तशृंगी। तो सूरत से सप्तशृंगी जाने के लिए हमको सापुतारा का हिल क्रॉस करना पड़ता है। रास्ते में थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, फ्रेश होने के लिए थोड़ा आगे जाएंगे, आगे का कुछ नज़ारा दिखाएंगे। हम वो रोपवे में जाने वाले हैं, आपको आगे दिखाएंगे। आपको सामने ये दिख रहा होगा, ये रोपवे में एंट्री करने का रास्ता है। दूसरा एक रास्ता है जिसमें आप वहाँ से भी जा सकते हो, ये गेट है, वो लेफ्ट मुड़ के जाने का है, वो स्टेप लेके जाना पड़ता है। यहाँ बाहर निकलते वक्त काफ़ी सारी शॉपें हैं जहाँ पर आप कुछ शॉपिंग कर सकते हो, बच्चों के लिए खिलौना, मूर्ति, प्रसाद। यहाँ पर तरह तरह के प्रसाद भी मिलते हैं, जैसे कि कलाकंद। भैया ने हमको ये प्रसाद टेस्ट करने के लिए दिया है, कलाकंद है, मलाई पेठा, कंदी पेठा, मावा पेठा, अलग अलग तरह के प्रसाद है। हम जा रहे हैं सप्तशृंगी, ये ट्रेन है, अभी ये ट्रेन आएगी। नीचे आप रेलवे फाटक देख सकते हो, ऐसे जाना है। ऊपर मंदिर है, थोड़ी देर में हम ट्रेन में बैठ जाएंगे।
मंदिर में हमने एंट्री ले ली है। आप देख सकते हो कितनी क्यू है। एक्चुअली ये मंदिर में मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, इसके बारे में मुझे पता नहीं था किस किस तरह का अरेंजमेंट होगा। दोस्तों फाइनली हमने ट्रेन की जर्नी भी कर ली और ऊपर दर्शन भी कर लिए हैं। आप देखो कैसा लुक है यहाँ से। देखो दोस्तों कैसा नज़ारा है। अभी तो एक रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए रुके थे, खाना खाने के बाद बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, देख लीजिए।